1947 में बने हुए नालों के ऊपर हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि उन नालों को यथावत स्थिति में रखा जाए, जबकि हमारे करौली में ऐसे नालों पर रोडें बनाई गई हैं, उन रोडों की वजह से वहां पे रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर गया है। ये पानी भरा हुआ ऐसे क्या गंदगी फैल रही है दुनिया भर की, तो कोई बीमारी फैल सकती है इससे, मतलब इससे तो बहुत बड़ी परेशानी है हमें। ये तो कुछ भी नहीं है, आप जो है बरसात है देखो कंडीशन कैसी हो जाती है, पानी लग जाता है, कितनी गंदगी हो रही है चारों तरफ, बरसात आती है तो बरसात में पूरा पानी भर जाता है, यहाँ यहाँ तक के बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं और घर के आगे पानी भरा हुआ, हमारे घर का रास्ता ही रुक जाता है। पहले के यहाँ पे पानी नहीं भरता था? नहीं, पहले पानी नहीं भरता था, पहले पानी सीधा निकल जाया करता था जब ये सड़क नहीं थी। ये ड्रेनेज सिस्टम है जो हमारी प्राकृतिक उसका निकास है, उसको अवरुद्ध किए जा रहे हैं चारों तरफ से। इन्होंने इसको अवरुद्ध करके और उन पर रोड बनाने के बाद करते ही चले जा रहे हैं। उसको हमने इनको कई दफ़े समझाया भी, इनसे हमने डिस्कस भी की, लेकिन ये अपने चार छः उस तरह से राजनीतिक उस लाभ लेने के लिए कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो उसको अदरवाइज उस तरह से उपयोग करना चाहते हैं, जिसे आज के शब्दों में भूमाफिया कहा जाए तो ज़्यादा उचित है। इसकी हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, SDM साहब को भी हमने करके और हमारे आयुक्त महोदय को पाबंद कराया था, उसके बावजूद जब तो ये 10-20 मीटर ही होगी, अब तो 150 मीटर तक डाल दिए। चालाकी से इन्होंने कही कि तुम्हारे लिए मोरा बनेगा, इधर नाला बनेगा है, और पर इन्होंने नाला नहीं बनाया, इन्होंने धोखे में हमसे जमीन खाली करवा ली, रोड रोड निकाला इन्होंने खाली। ये रोड कितने समय पहले निकाला था? दो साल हो गई, इन्होंने धोखे में ही रखा हमारे। नहीं, यदि राज्य सरकार बरसाती नालों को नालों पर रोड बनाने के लिए परमिशन देती है तो उसको पहले देखा जाए और जो रोड बन चुकी है उन रोडों को तोड़ा जाए। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड के लिए।